जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला बिहार विधानसभा सचिवालय पटना में एक और वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। इसमें एग्जाम आपका नहीं होने वाला, ओनली इंटरव्यू होगा, ठीक है, ओनली इंटरव्यू होगा। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसके पहले भी वैकेंसी निकली थी ग्रेजुएशन लेवल पर, ये आपका मैट्रिक पास पर है, ठीक है। मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे क्या पूरा प्रोसेस होने वाला, कौन से पद पर भर्ती होना, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एग्जाम क्या होने वाला है। एग्जाम इसमें नहीं होने वाला, ठीक है, ओनली इंटरव्यू, ठीक है। तो और क्या क्या होने वाला है पूरा प्रोसेस, उसमें पूरी जानकारी बताऊँगा। मैं वीडियो को दोस्तों को और आप लोग एंड तक देखें, ठीक है। और किन्हीं मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें, जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा सचिवालय के निम्न वर्णित पदों की रीतियाँ यहाँ पर दे दी गई है साफ साफ, जो कि टोटल 8 पदों पर भर्ती होने वाले, 8 पदों पर भर्ती होने वाले। सबसे पहला जो पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों, ये सामने देख सकते हैं, जो कि ड्राइवर का है, ठीक है। पेमेंट की बात करूँ तो 19,900 से 63,200 रुपये है, ठीक है। पुस्तकालय परिचारी यानी कि लाइब्रेरियन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट यानी सातवां पे, इनका भी 18,000 रुपये पेमेंट है। पेमेंट की बात करो तो हटाइए, ठीक है। पोस्ट क्रम पत्र वितरक कार्यपालक परिचारी, कार्यपालक परिचारी दरबान जो कि हम लोग बोलते हैं, सफाई कर्मचारी, स्वीपर, माली, फ्रासर, ऐसे पद हैं। और दिखाता हूँ आपको मैं, जो कि आपको ऑनलाइन जो डेट होने वाला है दोस्तों, आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, 23 अक्टूबर से आपका 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर तक लास्ट डेट है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करें, ठीक है। जितने भी भाई लोग हैं ऑनलाइन करें, सभी लोग भर सकते हैं, कोई भी स्टेट के हों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कहीं के भी हो, भर सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली स्वच्छता अधिकारियों के संबंध में सूचना प्रकाशन बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर होगी, यानी जो भी अपडेट आपको मिलेगा वो बिहार विधानसभा के साइट पर मिलेगा। और मैं ऐसे भी आपको अपडेट देते रहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने मैंने शो कर दिया है, ये आपका सीट है, जो कि विवरण दिया गया है कैटेगरी वाइज, आपका सीट यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देख लें। यहाँ पर जो आपका जो ड्राइवर का जो सीट है वो 14 सीट है, इसमें महिला के लिए भी 4 सीट दिया गया है, ध्यान से देखें, महिला के लिए भी 4 सीट है, और 9 सीट आपका इसमें जनरल के लिए है, एसटीएससी, यानी टोटल मिला के 14 सीट आपका हो जाता है। और अगर पुस्तकालय परिचारी की बात करूँ तो इसमें भी आपका 7 सीट है, और क्रमबद्ध वितरक के लिए 10 सीट है। सबसे ज़्यादा जो सीट है कार्यपालक परिचारी के लिए है, 90 सीट है। इसमें दिव्यांग के लिए भी सीट आरक्षित किया गया है 4 सीट, और महिला के लिए भी 31 सीट आरक्षित है। इसमें कार्यपालक परिचारी के लिए आपका इसमें सीट 9 है, और कार्यपालक परिचारी सफाई कर्मी के लिए 10 सीट है, ध्यान से देख लें आप लोग। तो यही आपका सीट है, और ये 7 नंबर में कार्यपालक परिचारी माली के लिए, जो कि हम लोग बोलते हैं माली, इसका सीट 20 आपका दिया है। कार्यपालक परिचारी फरासर के लिए 6 सीट दिया हुआ है। टोटल 166 पद पर भर्ती होने वाला है दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन जो आपको करना है दोस्तों, वहाँ पर देख सकते हैं आप, जो मैट्रिक पास मांगे हैं, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें मैट्रिक पास मांगे हैं, ड्राइवर हों चाहे पुस्तकालय पर, ऑल ट्रेड के लिए आपका मैट्रिक पास मांगा गया है, ठीक है। और आपका ड्राइवर के लिए LMB HMB लाइसेंस दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी है। आरक्षण का दावा वही कर सकते हैं जो बिहार के निवासी हैं, ST SC OBC जो भी हैं, वो सिर्फ आरक्षण का दावा बिहार वाले ही कर सकते हैं, यहाँ का स्थायी निवासी, अदर स्टेट वाले नहीं कर पाएंगे। अस्थायी निवासी डोमिसाइल पर उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण दावा करने की पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ा जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, यानी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सी वाला जो है देख लें, जो महिला है चाहे पुरुष हैं, महिला होंगे खासकर महिला के लिए ज़्यादा लागू होता है, कि उनकी शादी अगर जहाँ भी हो गई है, ठीक है, तो उनका जहाँ घर है वहीं से उनका OBC होना चाहिए, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देख लें। और आगे मैं दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा अगर की बात करूँ तो परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, चालक के लिए आपका जो कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, व्यवहारिक परीक्षा होगी, साक्षरता में जो भी सफल होंगे 100 अंकों का साक्षरता प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें आपको जो चेंज किया जाएगा, जो आपको वहाँ पर चेक किया जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं, चक्का बदलने का, टायर में हवा से भरने का योग्यता, यांत्रिक तथा चालन कौन पर, साइकिल चलाने की क्षमता, यहाँ पर सब कुछ देखा जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिएगा। और ये जो है पुस्तकालय परिचारी, जो भी सफाई कर्मी, स्वीपर, माली, जो भी दिया गया दरबान, ठीक है, उसके लिए आपको 100 अंकों की इंटरव्यू होगा, आप लोग वहाँ पर देख लीजिए साफ साफ, यहाँ पर मैंने स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस कर दिया है। और तब भी किन्हीं मैंने कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करें दोस्तों, देखिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। और परीक्षा शुल्क की बात करूँ तो ST SC के लिए आपका यहाँ पर, और महिला आरक्षित अनारक्षित के लिए 25 रुपया लग रहा है, और बाकी OBC और जनरल के लिए 100 रुपये लग रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ दे दिया। ऑनलाइन भुगतान आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका 23 अक्टूबर से 11 बजे से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपका 22 नवंबर तक है।
ईमेल, मोबाइल और यूजर नेम एंड पासवर्ड आप लोग सिक्योर रखें, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है ऑनलाइन आवेदन आपको ऐसे करना है। यहाँ पर साफ दिया तो बटेश्वर नाथ पांडे सचिव बिहार विधानसभा पटना के हैं, तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है दोस्तों, लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करें। तो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी होगी। अगर पूरी जानकारी आपको मिल गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।